चाहिए। माँ देती है झोलियाँ भर के, संभालने वाला चाहिए। तो ये भेंट भी माँ की है, एक दिन इसको सुनाऊंगा अपना। बुलाती है माँ जा आने वाला चाहिए, बुलाती है माँ आने वाला चाहिए। झोलियाँ भरती है माँ, झोली संभालने वाला चाहिए। तो ये चीज़ है कि माँ हमेशा सायाबंद के साथ रहती है, माँ हमेशा अपने बच्चों से प्यार ही करती है, चाहे बच्चों को कितना भी बुरा लगे। माँ तो अम्मा है। जय माता दी, जय माता दी भक्तों, जय माता दी। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी खुश रहें, मंगल रहें, आपकी शुभ रात्रि हो, आपका सवेरा और स्वीट हो, आपके जीवन में और रोशनी भरे, मैं यही चाहूँगा। जय माता दोस्तों, जय माता दी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और हर रोज़ शाम सुबह टाइम इधर का उधर हो सकता है, लेकिन शाम सुबह दो टाइम सुबह दो टाइम शाम को हमेशा लाइव आता हूँ। तो जो भी मुझसे होता है दो चार अक्षर माता रानी के नाम पे करता हूँ। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है और हम भी चाहते हैं कि माँ रानी आपको झोलियाँ भर के दे। जय माता, जय माता, जय माता, जय माँ माई सब में खुश, सुख शांति, सुख शांति। एक्चुअली एक वन वीक से एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से कुछ मौसम की तब्दीली की वजह से और कुछ अपनी लापरवाही की वजह से गला खराब हुआ पड़ा है। तो उसके कारण, गले के कारण थोड़ा सा आवाज़ निकलना, चाप बैठना थोड़ा परेशानी की बात है। नहीं तो मैं कभी माँ के नाम से पीछे हटता ही नहीं। तब कहते हैं कर लो भजन जवानी में, ना जाने कब बुढ़ापा आएगा। कर लो भजन जवानी में, ना जाने बुढ़ापा कब आएगा, और ना जाने बुढ़ापा कब किसने लिखा। कभी तभी कहते हैं कि लोग कहते हैं अभी हमने ये करना है, अभी हमने वो करना है, अभी हम ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे, हम भगवान का नाम बाद में ले लेंगे, अभी उम्र थोड़ी ना हमारी। नहीं मित्रों, जब से आपको ज्ञान आ जाता है, जब आप कुछ जानने लगते हैं, जब आपको एहसास होने लगता है, तो आप उसी टाइम से भगवान ये नहीं कहते कि आप काम नहीं करो, भगवान ये नहीं कहते कि आप नौकरी नहीं करो, भगवान ये नहीं कहते कि आप घर के काम नहीं करो। सिर्फ थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालना होता है। आप जब वो समय निकालना शुरू कर दोगे तो आपको अपने आप अच्छा फील होएगा, अच्छी फीलिंग आएगी। तो आप कर्म करते चलो, कर्म करते चलो, और आशीर्वाद भगवान का हमेशा बना रहेगा। भगवान का हाथ सबके ऊपर हमेशा इसी तरह रहेगा, और ये मेरा वादा है क्योंकि मैं इसका अनुभव कर चुका हूँ। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि माता रानी हमेशा संग रहती है, साथ रहती है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में अच्छा कर दिखाओ, माता रानी साथ है और माता रानी हमेशा साथ है। खुल जाओ, मन की कुंडियाँ खत्म कर दो, दिलांगी कुंडियाँ कर दो बार, और अच्छे दिल को साफ करके अपने काम करो। ते माता रानी हमेशा तो दिला रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और अब भी आप लोगों से विदाई चाहता हूँ, और दिन में हमेशा दो टाइम सुबह दो टाइम शाम को एवरीडे लाइफ और माता रानी के विचार। और कभी किसी मुश्किल की वजह से, अगर टाइम की वजह से कोई लाइव छूट गया तो अलग चीज़ है, अदरवाइज हमेशा आप लोगों के साथ, माँ के साथ। और ये जीवन जो है, इसको जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी अच्छा है। और इस जीवन को हमेशा छोड़ दो भगवान के ऊपर, सब कुछ वही करेंगे। हमारी इस काम काज में, इस कमाई में कुछ नहीं है, कुछ नहीं चलता है। शाम की दाल रोटी पूरी नहीं थी, लेकिन महामाई बैठी है तो हम कभी भूखे सोते ही नहीं है, खूब खा के सोते हैं, सिर्फ माँ की वजह से।